इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन हिडन कॉस्ट की जो कि आपको मालूम होनी चाहिए अगर आप अपना एक फूड बिजनेस स्टार्ट कर रही हो। फूड बिजनेस कुछ भी हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, QSR हो सकता है, फूड ट्रक हो सकता है, क्लाउड किचन हो सकता है, बेकरी पेस्ट्री कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जब हम अपना रेस्टोरेंट चालू करते हैं या सोचते हैं तो हम एक बजट लेके चलते हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 12 लाख रुपए हैं और मुझे अपना सारा का सारा रेस्टोरेंट इसमें ही निपटा देना है और जो मैं बैकअप के लिए पैसा रखूँगा वो अलग है, या आप सोचते हो कि इसमें से ही मेरा पैसा बच जाएगा जो कि मैं बैकअप के रूप में या फिर जो मेरी पर मंथ मेरे एक्सपेंसेस होंगे वो मैं इसमें से ही पूरा करूँगा। बट यहाँ पे हिडन कॉस्ट होती है जो कि अधिकतर हम लोगों को मालूम नहीं होती है और जो भी पैसा आपने सोचा होता है या फिर जो बैकअप के लिए रखा होता है वो भी खर्च हो जाता है और इवन अगर आपने बैकअप के लिए नहीं रखा होता तो आपको यहाँ वहाँ से चीज़ें पैसों का जुगाड़ करके आपको अपने स्टार्टअप को चालू करना होता है। यहाँ पे इवन अगर आप जब रेस्टोरेंट चालू कर लेते हैं तब भी आपको कई सारी ऐसी कॉस्ट का सामना करना पड़ता है जो कि हिडन होती है, ठीक है। तो चालू होने के बाद का तो हम लोग आज नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ दो प्रकार के हिडन कॉस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है मेरी प्री लॉन्च, लॉन्च होने से पहले, ठीक है, और दूसरी है मेरी एक्ट लॉन्च की, लॉन्च के टाइम। तो यहाँ पे इन दो कॉस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप भी अपने स्टार्टअप अगर प्लान कर रहे हो तो इन चीज़ों को जरूर कंसिडर करना। ये कुछ चीज़ें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ पर हैं, किस सिटी में हैं, क्या हमारी एरिया की सराउंडिंग है और हम लोग क्या करना चाहते हैं, हमारे पास जो काम करने वाले बंदे हैं, हमारा सिविल वाला बंदा, हमारा जो इलेक्ट्रीशियन है, पेंटर है, वो किस प्रकार का है और किस प्रकार से काम करता है। मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, यहाँ पे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं, अगर आप भी अपना रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन या किसी भी प्रकार का फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे ऑल अबाउट एक हमारी एक ई बुक है, वीडियो कोर्स है जिसमें कि आप किचन की सारी कॉस्ट सीख सकते हैं खुद ही, ऑनर्स के लिए स्पेशली यहाँ हैं। हमारे क्लाउड किचन के लॉटरी कोर्स हैं, हमारे पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम है जिसको कि हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम बोलते हैं, या फिर आप चाहे तो हमारी फिजिकल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं जिसमें हमारी टीम के द्वारा आपके यहाँ पे आके सारा का सारा सेटअप किया जा सकता है। यहाँ पे नीचे नंबर मिल जाएंगे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए जी, सबसे पहले जो कॉस्ट है वो है मेरी प्री लॉन्च। प्री लॉन्च का मतलब है लॉन्च होने से पहले। अब आपने बजट बना लिया कि भैया मेरे को तो 12 लाख रुपए खर्च करने हैं। अब अचानक से आप देखोगे यहाँ पे आपने जो खर्चा रखा था, ठीक है, जब आप गए भाई मेरे को ये स्पेस लेना है या ये मैंने जगह देख ली है, तो आपका जो ऑनर होगा, ठीक है, जिससे भी आप अपना वहाँ पे किराए पे ले रहे होंगे, वो आपको एक टोकन अमाउंट बोल देगा या डिपॉजिट बोल देगा। कहीं पे ये दो रेंट के बराबर होता है, कहीं पे ये साल भर के बराबर होता है। पुणे जैसे जगह में साल भर का पूरा ले लेते हैं तो आप बोलेंगे कि 3-4-5 लाख रुपये तो आपको इसमें ही देने पड़ जा रहे हैं जो कि आपने पहले सोचा भी नहीं था। अगर आप दे भी देते हैं तो आपका जो पैसा है वो सारा का सारा इसमें चला गया, अब आप रेस्टोरेंट कहाँ से चालू करोगे, ठीक है। तो ये जो हिडन कॉस्ट होती है उसका आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पे आ जाता है हमारी चिमनी का, जिसको कि हम लोग डक्टिंग बोलते हैं, और हमारी फ्रेश एयर का, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा किचन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिस्टम लगाते हैं, डक्टिंग का सिस्टम लगाते हैं, फ्रेश एयर का सिस्टम लगाते हैं। अगर आप ये सिस्टम नहीं लगाते हो तो जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। इवन अगर आपका छोटा सा आउटलेट है, आप भी वहाँ बैठते हो तो आप देखोगे आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। वहीं अगर आप इन चीज़ों को लगाते हो तो लगभग आपका 1.5-2 लाख रुपये इसमें भी लग जाएगा। डिपेंड करता है कि चिमनी कितनी बड़ी है, उसका जो पाइप है आपको फर्स्ट फ्लोर पे निकालना है या 6th फ्लोर पे लेके जाना है, ठीक है। और इसके लिए आप अपने ऑनर से और आजू बाजू वालों से ज़रूर पहले पूछ लीजिए कि भाई हम लोग यहाँ पे ऐसे चालू कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग चिमनी निकालेंगे, यहाँ से फ्रेश एयर निकालेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर आप ये पहले ही चीज़ें क्लियर कर देंगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। और रही इसकी पैसों की बात, तो आपको जिस भी एरिया में आप खोल रहे हो, जहाँ भी आप खोल रहे हो, जिस भी सिटी में आप खोल रहे हो, तो इस प्रकार के जो चिमनी वाले हो गए, फ्रेश एयर वाले हो गए, एक बार आप उनको भी पहले बुला लीजिए और उनसे भी कॉस्ट जरूर कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि ये कॉस्ट बोल सकते हैं फ्लक्चुएट करती है, 50,000 भी हो सकती है, लाख भी हो सकती है, 1.5 लाख भी हो सकती है। बट अगर आपको पता होगा तो आपके लिए ईजी रहेगा अपने बजट के अनुसार काम करने में, ठीक है जी। इसके बाद तीसरा यहाँ पे आ जाता है, वो आ जाती है हमारे इंटीरियर का, ठीक है। इंटीरियर हम लोग सोचते हैं कि भाई मैं 2 लाख में ख़त्म कर दूंगा, 4 लाख में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। और जब आप चीज़ें चालू करते हो
तब आपका इंटीरियर डिज़ाइनर आके आपको चार डिज़ाइन दिखा देगा, एक ये डिज़ाइन है, एक ये डिज़ाइन है, ठीक है, और आपको चूज़ करने के लिए बोलेगा। फिर आप चूज़ करोगे कौन सा वाला, महंगा वाला। आप सोचोगे कि चलो जी कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो महंगा है, थोड़ा सा तो स्क्वायर फीट बड़ा है, पर आप देखेंगे वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो कॉस्ट आप 2 लाख के इंटीरियर के लेके चले थे वो कितने की हो जाएगी, वो 3 लाख या 4 लाख की हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी आपको पहले से ही ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो आता है हमारी पैकेजिंग का। अब हम लोग एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि भाई मैं 50,000 रुपये की पैकेजिंग करवाऊंगा, ठीक है। और जब आप पैकेजिंग मटेरियल वाले के पास जाते हो, प्रिंटिंग करवाने जाते हो, तो आपको भी लगता है कि भाई मेरी चीज़ें सारी ब्रांडेड होनी चाहिए, मेरे लोगो होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इवन टिश्यू के भी ऊपर मेरे जो मेरे रेस्टोरेंट का साइन होना चाहिए, मेरे बॉक्सेस के ऊपर मेरा साइन होना चाहिए, ठीक है। और आप उनसे पूछते हो कि भाई प्राइसिंग क्या है। अब आप देखोगे कि आपको वो बोलेगा कि आपको इतनी तो मिनिमम क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपके 5-7 आइटम हैं तो 5-7 टाइप की आपको पैकेजिंग चाहिए होगी। अगर एक पैकेजिंग वो बोलता है कि भाई मिनिमम आपको 10,000 लेनी है या 5,000 लेनी है, और एक बॉक्स की कीमत अगर 5 रुपये भी मैं लगा लूँ, 5 रुपये में कम बोल रहा हूँ, तो सीधा 10,000 के इंटू 5 सीधा 50,000 हो गया। तो सिर्फ एक जो आपका पैकेजिंग मटेरियल है वो सीधा आपको 50,000 का पड़ा है। जहाँ आपने पूरा ही 50,000 सोचा था वहाँ पे सिर्फ एक आपका सिर्फ 50,000 का पड़ रहा है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो पैकेजिंग अगर आप अच्छी चाहते हैं तो अच्छे पैसे रखिए, एटलीस्ट 2 लाख रुपये तो मैं बोलूँगा आप पैकेजिंग के लिए ज़रूर रखिए, अगर आप एक ब्रांडेड पैकेजिंग करना चाहते हो। बाकी अगर आप लोकल में करना चाहते हो तो लोकल में जितना आपको चाहिए आपने उतना खरीदा, सिर्फ स्टिकर आप छपवा लीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारी हिडन कॉस्ट में आती हैं, और जो कि हमको प्री लॉन्च से पहले ध्यान में रखनी है। यहाँ पे जिस प्रकार से मैंने चिमनी का बताया या मैंने इंटीरियर का बताया, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक काम हो रहा है, सिविल काम हो रहा है, पेंटिंग का काम हो रहा है, तो इनसे आपको कोऑर्डिनेट करते रहना है, क्योंकि यही लोग होते हैं जो कि आपके काम को डिले करते हैं। मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पर एक्चुअल में वो डिले करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक टाइम लिमिट बांध देनी है, उनके पीछे पड़ के काम करवाना है। अगर आप पीछे पड़ के काम करवाएंगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये इस बात को आपको गांठ बांध के रख लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमारी दूसरी स्टेट आती है, वो आती है एट लॉन्च। लॉन्च के समय आपको जो हिडन कॉस्ट लगती है, लॉन्च के समय जो हिडन कॉस्ट लगती है वो सबसे पहली होती है हमारी साइनेजेस की। साइनेजेस का मतलब हमारी होल्डिंग होगी, बोर्ड्स हो गए, ठीक है, जो कि आपको लगवाने होते हैं। अगर आप किसी एरिया में हैं, आपने रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड लगवा लिए, रोड पे बोर्ड लगवा दिए, ठीक है, या मैं बोलूँ पैम्पलेट आपने छपवा दिए, जो पैम्पलेट आपने अपने लिए छपवाए थे आपने तो वो न्यूज़पेपर में डाल दिए या किसी से डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए, बट उससे काम नहीं चलता है, ठीक है। आपको होल्डिंग, बोर्डिंग, साइनेज वगैरह सब लगाने पड़ेंगे, और ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप इसके लिए सिर्फ 5,000 या 2,000 रुपये बोल दें, इसके लिए भी आपको एक अच्छा खासा मैं बोलूँ लगभग 50-60,000 का अमाउंट रखना पड़ता है, और आपको इसको भी कंसीडर करना चाहिए, इसको भूलना नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाता है, जो आता है हमारी मार्केटिंग का। मार्केटिंग के अंदर हमारी कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि मैं डिजिटल भी बोल रहा हूँ, बट डिजिटल जाने से पहले हम लोगों को फ़ोटोशूट करवाना होता है, और फ़ोटोशूट भी आप करवाने जाएंगे तो 30-40-50,000 का वो भी हो जाता है। इवन आप ब्लॉगर्स को बुलाते हो, आप उनको भी कुछ पैसा देते हो या खाना देते हो, ठीक है। तो इन कॉस्ट को भी आपको कंसीडर करना है, या तो मिनिमम कर देनी है या फिर खुद ही करनी है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और वहीं अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे, तो आपकी कॉस्ट ज़रूर कम होगी। नहीं तो आपकी कॉस्ट अगर आप 10 लाख रुपए लेके चले थे तो वही घूम फिर के आपकी कॉस्ट 12-14 या फिर 15 लाख तक चली जाएगी। तो आज की वीडियो में यही था कि किस प्रकार से हिडन कॉस्ट होती हैं और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स नीचे लिखिएगा, या फिर अगर जो हमारी सर्विसेज हैं आप लेना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सअप का नंबर है, वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।